गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी कब्र हर एक को डांटती थी सख्ती करती शुरू में। तो जो नेक बंदा है उसकी जैसे अजाब के फरिश्ते अजाब देकर तो नमाजें पांव की तरफ से आकर हिफाजत करती हैं, रोजे सर की जाने से हिफाजत करते हैं, हज्जो जिहाद जिस्म की जाने से हिफाजत करता है, हाथ की तरफ से जब आते हैं तो सदका और खैरात उसको बचा लेते हैं, तो फिर इसलिए मुबारक सलामत कहते हुए रुखसत होते हैं और फिर उसके कब्र में अमन होता है, जन्नत का बिछोना बिछाया जाता है, नूरानी कंदील कब्र में रोशन कर दिया जाता है, कब्र हद्दे नजर तक तक फराग हो जाती है। इसी तरह जो कब्र जब डांटना शुरू करती है तो जो नेक बंदा हुआ है साथी नेकी की दावत देने वाला हुआ है, अमर बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म करने वाला और बुराई से मना करने वाला होता है, तो उसके लिए भी कब्र को एक गैबी आवाज उस मैयत की हिमायत करके तसल्ली दे देती है कि तू ये किसको डांट रही है, किसको बोल रही है, ये तो नेक बंदा था, ये तो अमरु बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर पर आमिल था, यानी नेकी की दावत दिया करता था, बुराई से मना कर किया करता था, तो फिर उस कब्र में भी आसानी हो जाती है, कब्र गुलजार बन जाती है। और जो नेक नहीं होता, बेनमाजी होता है, रमजान के रोजे कदा करने वाला होता है, फिल्में भी ड्रामे देखने वाला होता है, गाने बाजे सुनने वाला होता है, माँ बाप का सताने वाला होता है, दाढ़ी निंदाने वाला होता है, या एक मुट्ठी से घटाने वाला होता है, मुसलमानों के दिल दुखाने वाला होता है, झूठ गिबत चुगली का आदि होता है, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वाला होता है, दहशत गर्दियां करने वाला होता है, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करने वाला होता है, डंडी मारकर सौदा चलाने वाला होता है, मिलावट वाला माल बेचने वाला, अलगरज से अल्लाह और रसूल अज्जा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। ऐसा शख्स जब कब्र में जाता है, अजाब का सिलसिला शुरू होता है, तो पड़ोसी मुर्दे भी उसको शर्मिंदा करते हैं कि नादान, जिस तरह हम दुनिया से चले गए भी हुई चला, हमको ये समझे थे कि तू हमारे हाल से इबरत हासिल करेगा, तू यू ही चला आया, तुझे तो मोहलत मिली थी, जो नेकियां हम ना कर सके तूने उन्हें क्यों भुला दिया, जमीन का गोशा गोशा जो उससे आवाज आती है उसको कि ऐ दुनिया जाहिर के मतवाले, ये तूने क्या किया, तूने उनके हाल से इबरत क्यों हासिल न की जो तुझसे पहले दुनिया से चल दिए थे। तो प्यारे प्यारे भाइयों, कब्र में जाकर हमें एहसास हो जाए अपनी गफलत का नतीजा मिल जाए, पछताना पड़ जाए, इससे पहले अभी भी ना गौर कर लिया जाए और तसव्वुर की बालवी से झांक कर माजी की तरफ क्यों ना देख लिया जाए, माजी की तरफ देखे तो कैसे कैसे कड़ियल जवान हुआ करते थे, जिनकी धाक बैठी रहती थी, जिनके नाम से लोग डरते थे, आज वो कब्र में मनो मिट्टी तले दबे पड़े हैं, कैसे कैसे हुस्नो जमाल के पाएकर के जो अपने कपड़े पर एक मामूली सा दाग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आज कब्र में उनके कफन मैले हो गए, कब्र ने उनके हुस्नो जमाल को पामाल कर दिया, उनकी हसीन खाल सियाह पड़ गई, वो पेट जो कभी न भरता था कीड़े मकोड़े उड़े रेंग रहे हैं, ऐसा हसीनो जमीन चेहरा जिस पर निगाह न ठहरे अब ऐसा बदरुमा हो गया मरने के बाद, और कब्र में ऐसी हालत है कि अगर देखे तो होश जाता रहे, ऐसी खुशबू लगाते थे
कि गली से गुजरते थे तो गलियां महक जाएं। अब इनके जिस्म इस कदर बदबूदार हो गए कि अगर अब इनकी कब्र खुल जाए तो इनकी बदबू से बंदा बेहोश होकर गिर पड़े। कैसे खिलखिलाकर हंसते थे, कह कह मार के हंसते थे, दांत इनके चमकते थे, लेकिन आज इनके दांत कब्र में चढ़ गए। वो आंखें जो हर तरफ देखती रहती थी, दिल में देखती थी, कभी लीला में, कभी बदबूदाही, कभी किसी के आयत देखे, वो आंखें कब्र में बहकर सारों पर आ गई। वो बाल जिन्हें सवार सवार कर रखते थे, नए नए स्टाइल के गुफे बनाते थे, आज वो बाल कब्र में झड़ कर मुंतशिर पड़े हैं। वो मजबूत हाथ जब जब किसी को पड़ जाता था तो वो हाय कहता हुआ भागता था, आज वो मजबूत हाथ कब्र में मौसीदा पड़ा है, उसके जोड़ जोड़ उंगलियों के अलग अलग हो गए। वो सर जिस पे हर वक्त दुनिया की मस्ती छाई रहती थी, आज वो सर अपनी गर्दन से जुदा हो गया है। नाक में पीप और गंदा पानी भरा हुआ, कानों और मुंह और नाक के जरिए कीड़ों की आमदोरफ्त हो रही है। आर पार सुराख आते बाहर आ रहा, पेट फट गया। वो दिल जो हर वक्त दुनिया की तरफ माइल रहता था, उस दिल को कीड़े खा चुके हैं। जरा तसव्वुरी तसव्वुर में माजी की तरफ गौर फरमाते रहिए, कैसे कैसे शख्स नजर में आते हैं कि जो मौत का तज़किरा सुनना पसंद नहीं करते थे, इन्हें खुशियों की बातें अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी मौत का शिकार हो गए। मस्जिद की तरफ इनके कदम नहीं उठते थे, अफसोस इन्हें घसीट कर कब्रिस्तान ले जाया गया। इन्हें सुन्नतों भरा बयान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कब्र में उन्हें इन जानों की सजाएं मिल रही होगी। वो कदम जो हर वक्त बुरी मजलिसों की तरफ चलते थे, सिनेमा घरों की तरफ चलते थे, ड्रामा गाहों की तरफ चलते थे, ताश खेलने वालों की तरफ चलते थे, बुरे दोस्तों की सोहबत में गपशप करने के लिए चलते थे। आज वो कदम कब्रों में जिससे जुदा हुए पड़े हैं और उन पर कन खजूरे वगैरह चिपके हुए हैं। कैसे कैसे सरमायादार कि जिनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद सब कुछ की ख्वाहिश बढ़ती चली जाती थी, आज इनकी ख्वाहिशें कब्र में पामाल हो चुकी हैं। बड़े बड़े मकानात जिनको नाकाफी होते थे, प्लाटों का भूत सर पर सवार रहता था, कोठी बंगलों के सुहाने सपने देखा करते थे, अफसोस इन्हें इनके बावर्ची खाने से भी ज्यादा तंग कब्र में उतरना पड़ गया है। बत्ती चली जाती थी, बिजली फेल हो जाती थी, घबरा जाते थे, शमा रोशन कर दी जाती थी या चार्जर लाइट ऑन हो जाती थी, गुजारा हो जाता था। कब्र में ऐसा धूप अंधेरा है कि कभी ख्वाब में भी ऐसा अंधेरा ना देखा था। जरा माजी की तरफ गौर करते चले जाइए, कैसी भागदौड़ की थी, कितनी लड़ाइयां की थी, कितनी फायरिंग करवाई थी, रिश्वतों का सिलसिला चलाया था, धांधली की थी, लेकिन आह बेचारा अब अंधेरी कब्र में न जाने इस पर क्या गुजर रही होगी, कहां इसके यहां मिलाने वाले, इसकी क्यों मदद नहीं की, इसको बचाया क्यों नहीं, कब्र में जाकर इसको कंपनी क्यों फराहम न की, यहां तो बड़ी सी जय बुलाते थे, अब क्या ऐसी नमक हरामी की के बेचारे को कब्र में तरह जाने दिया, जाहिर है कब्र में कोई जा ही नहीं सकता, अकेला ही जाना पड़ेगा। तो जरा सोच कर चले जाइए, किसी पहलवान के तसव्वुर में डूब जाइए, कैसा सा जो मुकाबले पर आता था उसको पटक पटक करता था, किसी फुर्ती के साथ असलाह चलाने वाले का तसव्वुर कीजिए, किस तरह धड़ 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 असलाह चलाता था, आज कहां है, उसके असलहे ने क्या काम किया, उसके साथियों ने उसको क्या सजा दिया, आखिर पर खर्चे उड़ गए, ऐ काश अबे अबे कि हम क्या क्या करें, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा।
تو ناراض ہو گیا یا رب کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا